सर एक्चुअली हुआ था ये कि कल मॉर्निंग की बात है, मेरे बड़े पापा का लड़का पप्पू गुजर, देवेंद्र गुजर, वो हमने गाय वगैरह पाल रखी है और ऐसा है हमारी गायों से पूरे हमारे एरिया को, हमारे जो मोहल्ले में रहते हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो मार्केट वालों ने क्या करा, मार्केट वालों ने छोटे छोटे पिल्लर लगा दिए, इन्होंने एक यूनियन बना नहीं बता हुआ कि हमारी एक यूनियन है, इन्होंने अपनी दादागिरी कर रखी है साहब कि इनकी यूनियन है, छोटे छोटे पिल्लर लगा दिए। तो एक्चुअली हुआ कल भाई बाटा लेके आ रहा था, बाटा लेके आया तो उसके हाथ में बोरी थी, बोरी लेके आया तो कई बोरी से पिल्लर नीचे गिर गया। तो अब यूनियन वाले वही है, उन्होंने देख लिया, क्या नाम बताया हमने उनका, ज्ञानसीलाल जी, किशन जी गुप्ता ने देख लिया। अब किशन जी गुप्ता ने देख लिया तो एंड टू एंड उनको बोला गया कि भाई ये क्या कर रहा है, तो गुजर है जो क्या दादागिरी कर रहा है क्या। तो उसने कहा दादागिरी, तो भाई दादागिरी कहाँ से कर रहा हूँ मैं, तो आज थोड़े ना ले जा रहा हूँ, मेरे को तो बरस हो गए ले जाते कुत्ती का, हमारी गायों का बाटा तो ले जाऊंगा भाई, जिस गायों को हमने पाल रखा है उसका पेट भरने के लिए मैं कुछ तो लाना पड़ेगा। प्लस बात तो ये सर, उस बात का इन्होंने इतना माहौल बनाया जिसकी हद नहीं। और सर चलो कोई बात नहीं, चलो आपने माहौल बना दिया, मैं आपको अब एक चीज कहती हूँ कि मैं लिखित में आपको लिख के देती हूँ कि पुरानी मंडी में हमारे पास यदि हमारे ऊपर सारा ऑब्जेक्शन आ रहा है, हम गाय पालना छोड़ देंगे। जितने भी इन्होंने पार्किंग बना रखी मार्केट में, आप सबसे पहले उन पार्किंग को बंद कराओ। अब आप ऊपर देखो, आप इसकी शक्ल देखो, ये लोग कहते हैं फिर हमें जाति से करके टॉर्चर किया जाता है कि गुजर तो ऐसे है, गुजर नालायक है, गुजर गंवार है, आप अपनी जिंदगी में गायें पालोगे, ये लोग गुंडे हैं, ये लोग हमारे पर रिवॉल्वर की धमकियां देते हैं। रिवॉल्वर की धमकियां देना क्या होता है, मतलब आप रिवॉल्वर की धमकियां दोगे और आज मेरे भाइयों को, चार भाइयों को 7 दिन की जैसी होगी। सुबह एक को बुलाया, छोटा बड़े पापा का लड़का है किशन जी ने उनको बुलाया, और बड़ा भाई का जो लड़का है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि इनके सीसी कैमरे लग रहे हैं, उसको बुलाया गया कि इधर महेंद्र तेरे से बात करनी है, अंदर बुला के उसको उसको इतना उसकाया कि महेंद्र क्या हुआ तेरे भाई को, हमने बंद करा था, तूने छुड़ाया नहीं रहा, तुम तो गुजर बताते हो। अब मेरी बात सुनो, किसी आप छोटे से 4 साल के बच्चे को भी यदि ये कहोगे कि तू चोर है, वो बच्चा एक बार तो चोरी करेगा। जब उसने 3 बार इतना टॉर्चर करा तो महेंद्र ने भी कुछ सुना दिया, बस महेंद्र का बोलना हुआ, उनका सिटी फोर्टेस में आना हुआ और उन्होंने फटाफट प्रशासन को फोन करा और आके पुलिस डायरेक्ट मोबाइल से वीडियो बना के और उसको ले गई। दूसरी बात, अब आपको एक छोटी सी चीज कहती हूँ कि कहते सुनने वाले से ज्यादा, कहने वाले से ज्यादा सुनने वाला चतर होता है। कल इतना माहौल बना था बाजार के अंदर, हमारे एक एक बच्चे को पता है कि इतना प्रशासन इकट्ठा हुआ था वहां पे, इतने मूर्ख हमारे बच्चे नहीं है कि जाके आ बैल मुझे सींग मार कि उसकी दुकान पे जाके लड़ाई करेंगे, जबकि उनका एक भाई ऑलरेडी जेल में बंद है। फर्स्ट बात तो ये सर, सर बस यही हो रहा है। अब जैसे अब उन्होंने क्या कह दिया कि जो भी गुजर दिखे आप गुजरों को पकड़ के ले जाओ। चार भाई है मेरे, चार भाई हमारे, हमारे नीचे पुलिस खड़ी कर रखी है, हमारे टोटल घर की बहुएं खौफ के अंदर है, डर रही है ना। आप पीछे देखिए, मौजूद है, आप पीछे देखिए, बस अब वही है। अब जैसे मेरी मदर है, कल मेरी मदर को चारों तरफ से इन लोगों ने घेर लिया, मैं इनकी बेटी हूँ जो भीलवाड़ा से आई हूँ,
इन्होंने मुझे फोन करा कि भाई सारे भाइयों को तो पकड़ रही, तू आ जा, चारों तरफ से मदर को घेर लिया, मदर वहाँ बेहोश हो गई। सर पुलिस वाले दबाव में, मैं आपसे ये नहीं कहती कि प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहती कि प्रशासन जितना उनके लिए बोल रहा है उतना आम जनता के लिए भी बोले। प्रशासन ये सोच रहा है कि पूरा मार्केट उनके साथ है, उन्होंने एक यूनियन बना रखी है, किशन जी जो गुप्ता है वो यूनियन के नेता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नेता का कहना मान के आम जनता का नहीं मानोगे। आप उनको ये बोला, आप पुरानी मंडी के अंदर जाके देखना कैची लग रही है सर, उस कैची के आर चार पार उन्होंने गाड़ियां खड़ी कर रखी है। यदि गाड़ी की पेट्रोल से एक भी गाड़ी की गाड़ी में से एक भी पेट्रोल लीक हो तो कैची में आग लग सकती है, ठीक है। उनको जो उनके जो कॉम्प्लेक्स को खतरा है, उनके कॉम्प्लेक्स को खतरा के बावजूद भी जो वो मकान बन रहे के पुरानी मंडी के आम जनता के, उनको खतरा है। वो आप खुद जाके देखिए कि वो चीज सही है क्या। और जो आप मेरे पीछे देख लीजिए, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, फिर कहते हैं सर मेरा नाम संगीता, पार्किंग नहीं है ना किसी भी। और सर पार्किंग है, जिन्होंने पार्किंग खोल रखी है, कोई भी शोरूम में पार्किंग नहीं है।